धर्मशाला से एक खबर है। सुलह विधानसभा के प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की कमी है। स्कूल में कोई भी अपना टीचर नहीं है। डेप्यूटेशन के जो टीचर हैं उनके सहारे के स्कूल चल रहा है और टीचर्स की एक कमी अब अभिभावकों के लिए परेशानी बन रखी है। अभिभावकों में इस बात को लेकर गुस्सा है। 5 कक्षाओं को केवल एक अध्यापक पढ़ा रहा है और लगातार देखिए सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है कि स्कूलों को बेहतर किया जाए। बहुत जरूरी है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे, महकमा इस ओर ध्यान दे, लेकिन शिक्षकों की कमी धर्मशाला में एक बड़ी समस्या इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ पर एक ही टीचर के 5 अलग अलग कक्षाओं को एक ही टीचर पढ़ा रहा है। ऐसे में अभिभावकों में काफी गुस्सा है कि आखिर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में कैसे भेजे जब यहाँ पर टीचरों की इस हद तक कमी है। अब देखना होगा किस खबर पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है, महकमे की तरफ से कब तक कोई बड़ा संज्ञान लिया जाता है। कि स्कूल में टीचर जो है वो आते हैं चले जाते हैं, परमानेंट सा टीचर नहीं है यहाँ पे। क्या हो क्या रहा उससे? इससे बच्चों की पढ़ाई जो है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है। जो उनकी फर्स्ट क्लास अच्छी नहीं होगी तो ये आगे कैसे चल पाएंगे? समस्या ये आ रही है कि स्कूल में टीचर नहीं है और बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है सारे बच्चों की, तो हमें टीचर चाहिए यहाँ पे। कितने दिनों से टीचर नहीं है? हो गए 2-3 महीने तो हो ही गए हैं। तो कौन आता है यहाँ टीचर? जो अभी देखा है टीचर हैं वो कौन है? वो तो किसी और स्कूल से आते हैं। सुना है बच्चे भी यहाँ से निकल गए काफी? हाँ निकाल लिए लोगों ने बच्चे भी, क्योंकि तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का रुख करते हैं, फोन लाइन पर इस समय जुड़ चुके हैं। मनोज, स्कूल में टीचर्स नहीं है, प्रशासन का इस पर क्या रुख है, महकमे के क्या मामला संज्ञान में है? बिल्कुल, आप ही देखिए, ये सुलह विधानसभा का गरला डे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है यहाँ का ये, और इसमें काफी लंबे समय से जो है वो अपना अध्यापक नहीं है जी। जो भी अध्यापक है वो डेपुटेशन पे लाया जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ अध्यापक थे वो आए और चले गए हैं जी। आज जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर लोगों में अच्छा खासा रोष देखने को मिला है, क्योंकि स्कूल में पहले बच्चों की संख्या ठीक होती थी, ज्यादा संख्या थी, लेकिन अब संख्या कम रह करके 35 रह गई है और लोग जो है वो अपने बच्चों के सर्टिफिकेट स्कूल से निकालने की बात कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ टीचर नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो ऐसे में जहाँ एक तरफ विभाग जो है वो शिक्षा को सुदृढ़ करने की बात करता है, कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ, तो अगर स्कूल में टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी। यही नहीं बल्कि और भी ऐसे स्कूल है जहाँ पर बच्चों की संख्या 4 या 6 है या 10 है। ऐसे स्कूलों का आज हमने निरीक्षण किया तो वहां पर भी यही पाया गया कि एक अध्यापक जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऐसे में अध्यापक पर भी बोझ है और बच्चों की पढ़ाई भी इससे इफेक्टेड होती हुई नजर आ रही है, जो कि शिक्षा विभाग पर एक सबसे बड़ा सवाली निशान भी खड़ा करती है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ जो है इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं शिक्षक जो है उनको तैनात किया जाता है और बच्चों की पढ़ाई को सही तरीके से उनको पढ़ाया जाए। अब मनोज, हमने एक अभिभावक का भी बयान सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत से बच्चों को तो स्कूल से इसीलिए निकाल भी लिया गया है क्योंकि यहाँ पर टीचर्स नहीं है। ऐसे में क्या आपकी बात महकमे से, प्रशासन से, किसी से हुई है कि आखिर टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई? चलिए इस वक्त हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद जी जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद जी, स्वागत आपका खबरें अभी तक पर। हाँ जी, देखिए धर्मशाला में एक स्कूल है जहाँ पर अपना कोई टीचर नहीं है, डेप्यूटेशन पर एक टीचर आता है, 5-5 कक्षाओं को अकेले पढ़ाता है, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? स्कूल धर्मशाला में है, धर्मशाला के अंदर अंदर। मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। मनोज, स्कूल है ये और सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है ये, फिर से बताइए। सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गरला दे स्कूल है। गरला दे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी गरला दे, इसमें जी परमानेंट टीचर कोई भी नहीं है जी। क्या नहीं? हाँ जी, जो परमानेंट टीचर कोई भी नहीं है यहाँ पर, जो टीचर था वो प्रमोट होकर टेंपरेरी टीचर दूसरे स्कूल में चला गया जी। तो अब जिम्मेदारी किसकी है सुभाष चंद्र जी? यहाँ पर स्कूल है, टीचर नहीं है, आपके महकमे को संज्ञान लेना चाहिए। हम दूसरे स्कूल से डिप्यूट करते हैं टीचर, मगर परमानेंट टीचर ऊपर से आएगा जी, सरकार की तरफ से जी, ऊपर डायरेक्टर की तरफ से शिमला से वहाँ से करते हैं। तो आपने इसके लिए प्रयास किए सुभाष चंद्र जी? आपने हमने बहुत प्रयास किए जी, हमने सभी को मालूम है जी, बाबर खाली है भाई, हमने बहुत प्रयास करते हैं जी इसके बारे में। हम जी जी चलिए, आप खंड शिक्षा अधिकारी हैं, आप प्रयास कर रहे हैं,
गलती कहाँ हो रही है, कमी कहाँ रह रही है, किसकी जिम्मेदारी हम माने कि आखिर बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, किसी की तो जिम्मेदारी तय होगी। ऊपर से कोई टीचर ही नहीं, कोई टीचर रख रहे गवर्नमेंट, कोई भी टीचर नए टीचर कोई नहीं रिक्रूट कर रही है, तो नए टीचर जब आएंगे तो भी बम उड़ाएगा ऐसे। यानी कि जब नई भर्तियां होंगी तभी रास्ते साफ होंगे। हाँ जी जी हाँ जी। तो चलिए, सुभाष चंद जी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि ये मामला इनके संज्ञान में है, प्रयास भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष चंद्र जी, और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि स्कूल में टीचर नहीं है, महकमा प्रयास करता है, लेकिन जब तक नई भर्तियां नहीं होंगी तब तक टीचर्स की किल्लत देखने को मिल सकती है।